हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू ज्ञानी गुरुजी। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो सभी लोग जुड़ेंगे और क्लास को फटाफट शेयर करेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे और क्लास को तुरंत ही आते ही शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे। आज हमने इन्वायरमेंट का टॉपिक लिया है, जिसके टोटल 30 प्रश्न हैं, जो बहुत ही आसान है। आज इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट का ही पेपर डिस्कस करेंगे, जो यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, रीट इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और एक बार क्लास को शेयर करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है, सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और क्लास को तुरंत शेयर करेंगे। सभी लोग तुरंत जुड़ेंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे। हम आपको आज टाइम टेबल बता दे रहे हैं। जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास चलती है शाम को 7 बजे। हिंदी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लास रात को 8 बजे चलती है, और हमारे द्वारा रात 9 बजे 12वीं का की क्लास चलती है, जो कि कल नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से कल क्लास नहीं चली थी। आपको डेली रात को 9 बजे 12वीं का की क्लास मिलेगी, और सुबह 11 बजे कल से आपको इन्वायरमेंट की क्लास मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 21 मई 1949, डी 13 नवंबर 1949। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है आज के। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, 24 जनवरी 1950 यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। UVB A, UVB B, UVB C, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, और डी फास्फोरस। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, कवक। अगला प्रश्न, गिर सेर परियोजना अवस्थित है ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। गिर सेर परियोजना अवस्थित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट होगा, गुजरात में। अगला प्रश्न, WWF से आशय है ए वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वॉच फंड। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। WWF से क्या आशय है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होता है WWF। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न, गंगा नदी निकलती है ए अरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से, और डी मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी निकलती है,
सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। गंगा नदी आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी राइट होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ए सिसली में, बी हवाई में, सी एंडीज में और डी राकीज में। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, एंडीज में। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी सिंधु। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु और डी मांसाहारी या शाकाहारी दोनों। बताएं, आंसर कमेंट करेंगे आप सभी। आंसर कमेंट करिए आप लोग। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ में आपका ऑप्शन बी राइट होगा, मांसाहारी। इसको मैंने एक पेज भी लगाया है, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। ये घास है, उत्पादक है। ये टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक। तृतीयक उपभोक्ता है सांप। अंतिम उपभोक्ता है गिद्ध या बांझ कह लीजिए। और फिर बांझ अपघटक के रूप में क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? घास। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बांझ या गिद्ध कह लीजिए। और बांझ को कौन खाएगा? बांझ को कोई खाएगा नहीं। बांझ जब मर जाएगा तो अपघटक हो जाएगा, यानी कि वो कवक के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। आंसर सभी को कमेंट करेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर बी राइट होगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं? ए तीन, बी चार, सी पांच और डी छह। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपका आंसर सी राइट होगा, पांच सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी असम में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, सी
DNA, DNA और डी है RNA। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर बी राइट होगा, सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न, एक मार्ग का संबंध है ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से और डी उत्पादन से। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। एक मार्ग, तो यहाँ पे एक मार्ग का संबंध किससे है, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में और डी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी राइट होगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1972 में और डी 1975 में। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर सी राइट होगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी आश्वन, सी किण्वन और डी स्टेरिलाइजेशन। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए और डी यूएसएसआर। सभी लोग आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर डी राइट होगा, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यानी कि यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, यहीं से लिया गया था। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को और डी पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा, सबको पता होगा ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, सभी लोगों को पता होगा ध्रुव तारा कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में और डी है आपका 1985 में। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा, 1973 में। चलिए अगला प्रश्न, फूलों की घाटी अवस्थित है ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में और डी उत्तराखंड में। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। फूलों की घाटी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है ए 306, बी 275, सी 206 और डी 175। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी राइट होगा, 206। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, डी एम्स्टर्डम में, डी नागासाकी में। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका सी राइट होगा, एम्स्टर्डम में स्थित है आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला प्रश्न, प्रकाशीय चरण के दौरान खाली स्थान का ऑक्सीकरण एवं खाली स्थान का अपचयन होता है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ए है आपका जल, NADP, बी NADPH2 CO2, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, डी है कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे।
क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय चरण होता है उसके दौरान क्या ऑक्सीकरण होता है और किस चीज का अपचयन होता है? सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ भी आपका ऑप्शन ए राइट होगा, इसका मैंने समीकरण इस नेक्स्ट पेज पे लिखा है। हाइड्रोजन और जल है जिसे ऊर्जा देंगे, ऐसे आयनों में ये टूटेगा, इसमें अपचयन भी हो रहा है। अपचयन के लिए सूत्र है आपका 2H+ NADP, ऐसे एरो जाएगा सामने से NADPH2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये अपचयन है। ठीक, अगला प्रश्न, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ए, यह एक स्वच्छ ईंधन है। बी, यह उच्च ऊष्मीय मान का है। सी, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। और डी, यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, यह एक मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी यही नहीं है, मीथेन उत्सर्जन एलपीजी नहीं करता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अगला प्रश्न है आप सभी का, स्क्रीन पे है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, सी मेंडेल की और डी रॉबर्ट हुक की। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना है प्रजातियों की उत्पत्ति? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा, चार्ल्स डार्विन की। प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी है? चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। अगला प्रश्न, मकर रेखा है, ए 23.5 अंश, बी 23.5 अंश नॉर्थ, सी 23.5 अंश साउथ और डी है 23 अंश साउथ। सब लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आज के एनवायरनमेंट के हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। सब लोग 30 में से 30 कर ले जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज के। चलिए, यहाँ पे आपका आंसर सी राइट होगा, 23.5 अंश साउथ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, ए जिनेवा में, बी हेग में, सी न्यूयॉर्क में, डी पेरिस में। सभी लोग आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा, हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न थे आज के पर्यावरण के, जो कि यूपी टेट, सी टेट, KVS, रीट इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।